आज हम जा रहे हैं अम्ब्रेला गाउन बनाने। फुल साइज़ गाउन है, लेंथ 56 लेंथ करना है। और अभी ये 4 मीटर कपड़ा है, इसको हम किस तरह से बनाएंगे ये देखिए। इसको डबल की घड़ी करते हुए पूरे कपड़े को, 4 मीटर कपड़ा दिया हुआ है, इसमें हमें पूरा गाउन तैयार करना है, वो भी विथ 3/4 स्लीव्स के साथ। और स्लीव्स भी उनको अम्ब्रेला में ही दे रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट स्लीव्स चल रही है वो वाला, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को इस तरह से डबल फोल्ड के साथ में रखते हुए इस तरह से अम्ब्रेला के लिए घड़ी कर लिया है। कपड़ा बहुत बड़ा है, लेंथ तो 56 लेंथ बिठाना है इसके लिए। आप देखिए, हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है, क्रॉस फोल्ड करना है। क्रॉस फोल्ड करने के बाद अभी हम इसका ऊपर का हिस्सा, 56 जब पूरी लंबाई है, ऊपर का हिस्सा 15½ पे बनना है, चोली प्लस नीचे का हिस्सा, बाकी का रिमेनिंग बचा हुआ। तो हमें साइज़ यहाँ दी है 35 चेस्ट और कमर है 31½। तो हम उसके लिए पहले नीचे का अम्ब्रेला काटते हैं। नीचे के अम्ब्रेला के लिए हम ये 4 पल्ले को किस तरह से करेंगे देख। क्रॉस घड़ी की है, ये पार की साइड को रखते हुए ऐसे क्रॉस घड़ी की हुई है। और यहाँ से हम कमर बनाएंगे, ये नीचे का घेरा बनेगा। ये अभी हम 32 वेस्ट है उसके लिए 32 चौथा हिस्सा, 8 चौक 32 32 में प्लस ये रहा मार्जिन, ये वेस्टिंग। अभी ये 32, अभी इसको आर्क से अच्छे से हमें मिलाना है, इसको आर्क ड्राइंग करना रहता है राउंडिंग में अम्ब्रेला के लिए। ये अभी देखिएगा एग्जैक्ट 32 आएगा, ठीक है। अभी हमें 56 लेंथ का गाउन चाहिए, इसके लिए हम गिनेंगे। देखिए सबसे इजी है 56, यहाँ हमने पकड़ा, ये देखिए मार्जिन हमने इतना 1/2 इंच छोड़ दिया है, ओके। और यहाँ हम ऊपर की चोली 15½ रखेंगे, 15½ रखेंगे, तो ये रहा 15½, 15½ के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन, बस हो गया करेक्ट। अभी ऊपर की चोली 15½ प्लस ये पूरा लेंथ हमें मिल जाएगा 56 का। अब इस मार्किंग के सहारे हमें फुल राउंडिंग बनाना है। तो हमारा अम्ब्रेला देखिए किस तरह से तैयार हो रहा है। यहाँ आप हाथ रखिएगा कॉर्नर पर और इस तरह से इसको घुमाते जाइएगा। ये एक फर्स्ट कमर के यहाँ का कॉर्नर प्रेस करते हुए यहाँ पूरा ऐसे राउंडिंग करना है आपको, लेकिन ये बार बार हिलाना नहीं है ऐसे। ये आर्क पे डैश डैश पहले मार्क कर लो, उसके बाद हम पूरे को अच्छे से मार्क कर देंगे। अब आपका फुल साइज ये आप देख सकती हो कि मेरा डैश डैश को हम मिलाएंगे, राउंडिंग बन गया है पूरा, और बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बना है। इसको आप जब कट करोगी, तब कट करने के बाद आप चेक करोगी कि कितना सुंदर राउंडिंग बैठा है मेरा, और वही हमें चाहिए अम्ब्रेला के लिए। राउंडिंग खराब करोगी तो आपका चीज खराब। अब हम इस राउंडिंग को काट लेंगे अम्ब्रेला के लिए। ये देखिए, अब ये जो कमर का हिस्सा है इसे भी हम आर्क से काट लेंगे।
और ये मेरा सही मार्किंग, और मैं ये मेरा वेस्टिंग है जो वो स्ट्रेट कर दूंगी। अब मेरा अम्ब्रेला मोस्ट ऑफ रेडी हो चुका है। पन्ना बड़ा पन्ना है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसके लिए अम्ब्रेला में क्रॉस जॉइंट आवश्यक है ही है। इसको इस तरह से घड़ी करते हुए अभी हम इस क्रॉस जॉइंट के यहाँ पे कपड़ा किस तरह से डालते हैं वो देखिएगा। ये है आपका पार्ट टू पार्ट बॉर्डर लाइन। अब हम इसको देखो कैसे मैं काट रही हूँ, नीचे का हिस्सा इजी से ये इसके ऊपर रखिएगा इस तरह से ऐसे, और यहाँ पर जो तिरछा हिस्सा, अभी ये अम्ब्रेला का राउंडिंग हिस्सा में जो दो पल्ला कम पड़ रहा है लेंथ ज़्यादा होने की वजह से, ये हम इसको क्रॉस जॉइंट में किस तरह से लगा रहे हैं ये देखिए। मैंने नीचे पार वाला हिस्से का कपड़ा रख दिया है और आप देख सकती हो कैसे मैंने रखा है। खाली इसको इसमें पैच डलवा देंगे, ये क्रॉस जॉइंट से आराम से बैठ जाएगा। क्रॉस करने के बाद इसको इस पर रखकर आप चेक कर लो, ये हो गया परफेक्ट। सिलाई के बाद बहुत तीरा मार देंगे नाखून से ऐसे खोलकर, एकदम अम्ब्रेला बड़ा घेर का परफेक्टली बन जाएगा आपका। मैं आपको फोल्ड करके बता रही हूँ, देखिए अब और फोल्ड कर दीजिएगा। ये देखिए, देखिए मेरा फोल्ड कितना सुंदर बन गया है, ये देखिए। ठीक है, और एक फोल्ड कर दो जिससे कि आपको लंबाई का देखिए। ओके, अभी आप फिर भी आपको लगे चेक कर लीजिए, आपकी ऊपर की चोली 15.5 है, प्लस मार्जिन हमने छोड़ा है, और ये रहा यहाँ भी मार्जिन छोड़ा है, मतलब आपका नीचे का जो अम्ब्रेला है बहुत सही रखते हुए, मेजरमेंट रखते हुए कट गया, ये हमारा रहा अम्ब्रेला। ओके, अब हम बनाएंगे वेस्ट। अभी बचे हुए रिमेनिंग कपड़े में से हमें ऊपर की चोली काटनी है और स्लीव्स। अभी हम देखते हैं ऊपर की चोली कैसे काटेंगे, और यहाँ से हम बाहें बना देंगे। ओके, ऊपर की चोली के लिए हमने डबल फोल्ड किया है कपड़ा, डबल फोल्ड मतलब बैक फ्रंट दोनों भी साथ में बन रहे हैं। लंबाई 15 आधा है चोली की, और चेस्ट है 36, मतलब हमें रखना है 2 इंच ग्रेस, 9.5। ओके, अब देखिए यहाँ से हम कपड़े, पहले हमें यहाँ से कपड़े को स्ट्रेट करना है, और चोली की लंबाई है 15.5, तो हमें पहले यहाँ से मार्जिन आधा इंच और 15.5 रेडी, प्लस मार्जिन आधा इंच, और इससे सीधी निशान लगा लीजिए आप। अब इससे हमारी चोली रेडी हो रही है, ये देखिए शोल्डर है 14.5, 14.5 में 7.2 पाव इंच का मार्जिन छोड़ दिया जाएगा सिलाई के लिए, और यहाँ से नेकलाइन बनाने के लिए 2.5 भी ले सकती हो, 2.75 भी ले सकती हो, वो अपने अनुसार है, आगे पीछे करना है। और इस तरह मार्किंग कर दिया, यहाँ से छोटा सा बैक साइड का गला 4 इंच का बना रही हूँ, ये इस तरह से स्क्वायर करो या आप इस तरह से राउंड से मिला दो, दोनों भी चलेंगे, इस तरह से बैक का गला बन गया। ठीक है, अब रहा हमारा चेस्ट। अब हमने शोल्डर के यहाँ से 7 इंच लेना है सीधी लाइन, इसको स्ट्रेट करते हुए, और यहाँ से फिर अब आया हमारा चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन हमने कहा 36 है, तो ये हमें 2 इंच ग्रेस मतलब 9.5 का रखना है, हमने मार्जिन के अनुसार कपड़ा पकड़ा है, हो गया ये राइट। अब इसको हम ऐसे राउंडिंग कर देंगे, ये हो गया आपका स्लीव्स।
और हम शोल्डर को 9 इंच ये ऐसे डाउन कर देंगे। अब हमें गले में ड्राइंग करना है नेक लाइन पे। नेक लाइन हमको चाहिए 7.5, लेकिन उसको हमें डायमंड शेप देना है छोटा सा। ये देखिए मैं फर्स्ट गला छोटा बना रही हूँ, इसलिए ये फर्स्ट गला राउंडिंग छोटा बना रही हूँ, बाद में हम उसको छोटा एक डायमंड शेप दे देंगे। ये 7.5 का नेक है, इसको छोटा डायमंड शेप बनाने के लिए ये हल्का सा डायमंड बनाएंगे हम। ये बहुत बढ़िया हो गया, इसको हम फिजिंग की सहारे से कर लेंगे चिपका के। अब कमर हमारा है 32, 32 है प्लस यहाँ से एक टक्स जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये टक्स हमारा 4 इंच पे रहता है, मोस्ट ऑफ 4 इंच पे रहता है। और ये 32 मतलब ये 8 पकड़ा है, 4 फोल्ड कपड़ा है, इसलिए 8 जो 32 हो गया। ये हमारा टक्स लाइन गया, ये हमारा फिटिंग लाइन गया। अब हम इसको हल्का सा ऐसे टिल्ट कर देंगे। अब हो गया, अब हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको काट लेते हैं। अब इसको चटका मार दिया हमने। ये आवश्यक है कि हम कोई भी बनाए तो तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें टक्स करना है और कहाँ से हमें फिटिंग से चलना है। अब बचे हुए कपड़े में से हम नेक बना देंगे, नेक पट्टी। पहले हम स्लीव्स बना लेते हैं, ये हो गया, पहले हम स्लीव्स बना लेते हैं। ये रहा स्लीव्स, के लिए हमें लंबाई चाहिए 18 इंच। नीचे से अम्ब्रेला डालना है, मतलब हमें नीचे 4 इंच छोड़ना है, 4 इंच की अम्ब्रेला बनानी है। 4 इंच पहले ही छोड़ दिया मार्जिन लाइन के साथ, 18 इंच यहाँ आ गया। मैं देखिए आपको कितनी सीधे तरीके से बताऊँ, कोई गांव खेड़े की भी लड़की भी कर पाए, जिससे कि शहरों की तो बात ही कुछ और है। जिसको गणित ना आता हो वो भी ये काम कर सकता है, इसीलिए मैं इस तरह से समझा रही हूँ। 4 इंच देखिए आपका फ्रिल लाइन, ओके, देन यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन, ये 18 इंच हमारे स्लीव चाहिए, यहाँ हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। हमने स्लीव्स के यहाँ 7.5 इंच उतारा, हमें यहाँ भी 7.5 इंच के ऊपर मार्जिन छोड़ना है, ये हमको ध्यान रखना है। हमने वहाँ भी 7.5 किया और इसीलिए यहाँ से 3 इंच की मार्किंग कर दीजिए आप चाहिए तो। स्लीव्स का देखो कैसे स्लीव्स बनाते हैं, ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता चल जाएगा, ओके। अब इसको इस तरह से क्रॉस मार दीजिए। अब हम काट लेते हैं और एक खाली अम्ब्रेला बाकी है स्लीव्स के लिए, वो सबसे बड़ा आवश्यक चीज है, वो हम आपको बता देते हैं। मतलब आपने पूरा कर दिया फुल गाउन कट करके, अब मैं दूसरी वीडियो में बना के बताती हूँ। इसका सेंटर भी कर दीजिएगा और इस तरह से आपको फ्रंट शेप डालना है, ये डाल दीजिए, ये हमारा हो गया। अभी हमको अम्ब्रेला बनाना है इसके यहाँ 4 इंच वाला, ठीक है। अब देखिए 4 इंच वाला अम्ब्रेला किस तरह से बनता है। सी ऐसे रुमाल की तरह, जो घड़ी का कपड़ा है, रुमाल की घड़ी का कपड़ा, उसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे क्रॉस फोल्ड। वापस से क्रॉस फोल्ड करने के बाद हमको सिर्फ 4 इंच का ही अम्ब्रेला चाहिए, ठीक है। अभी हम इधर मापेंगे, हाँ ये इसका मुँह कितना है, ये 6.5-6.5 तक है। अभी हमें ये जो आर्क है छोटा आर्क, ये 6.5-6.5 का होना है। ये देखिए सी,
ये चार डबल कपड़ा है, उसके अनुसार आप मेजरमेंट करिए, ये भी चार डबल कपड़ा है। ठीक है, एक मार्क कर लिया। बाद में इसको यू टर्न से देखो कैसे, ये राउंडिंग इसी तरह से घुमाया जाता है तभी वो आपका अम्ब्रेला आर्क बराबर आएगा। ये देखिए 6.5 6.5 हो गया। हाँ, ये आप इसके साथ माप के देख सकती हो, सही करेक्ट आ गया। ओके करेक्ट आ गया। हाँ, अभी हमको ये चार इंच का ही चाहिए। ठीक है, 4 इंच का, ये चार मतलब दोनों साइड की मार्जिन छोड़ रही हूँ, मतलब इसके लिए मैं 1 इंच ग्रेस दे रही हूँ। ये 5 इंच हो गया, ये 5 का लगा दिया। अभी ये पॉइंट पे हाथ रख कर इस तरह से राउंड घुमाओ, तब आपका अम्ब्रेला बहुत सही कटता है। हो गया, सही 2 मिनट में ये अम्ब्रेला रेडी। देखिए मेरी स्लीव्स, देखिए आजकल यही स्लीव्स ज़्यादा चल रही है, आप देख सकती हो। ओके, ये हमारी मार्जिन लाइन हो जाएगी, ये हमें मोड़ देंगे। स्लीव्स देखिए हो गए, मैं कल बना के बताती हूँ, हम अगले वीडियो में बना के बता देंगे। अब हमने एक छोटा सा वेस्ट ले लिया है, अभी हमको बैक और फ्रंट की पट्टियाँ काटनी है। बैक और फ्रंट की पट्टियाँ काटनी है तो पहले इसको खोलेंगे, इसको नीचे वाला हिस्सा निकाल देंगे और ये देखेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट का शेप डालना है, ये कट करना है। ये फ्रंट का शेप 1/2 इंच लेने का, यहाँ से ये 1/2 इंच पकड़ने का, या कम, 1/2 इंच से कम नहीं, 1/2 इंच से ज़्यादा चलेगा लेकिन 1/2 इंच से कम नहीं करो। ये ऐसे मिला दीजिए, बस हो गया। अब ये नेक किसी कपड़े पे डबल के सहारे से रखो और देखिए मैं किस तरह से काटती हूँ। ये नेक पट्टी काट लीजिए आप, बस ये आपका रहा डायमंड शेप। नेक पट्टी कट गई है, इसको हम फिजिंग पेपर पे चिपका देंगे और फिजिंग पेपर पे चिपका के कड़क हो जाएगा, ये नेक पट्टी बढ़िया से बन जाएगी। और ये आपका स्लीव्स, सामने से एक्स्ट्रा शेप देना था वो मैंने दे दिया, हो गया।